गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्यारहवीं वाले बच्चे, सिटी हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब यहाँ पे हमारा ये जो काव्य है सबसे खतरनाक, उसमें हमने देखा कि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी और लोभी, ये भी जो है सबसे खतरनाक नहीं होता, जितना यहाँ पे इंसान की दिन ब दिन बदलती हुई स्थिति, जितना यहाँ पे इंसान जो कार्य करता है वह, जितना यहाँ पे वो अपने आँखों के आगे सब कुछ देखता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता, कानों के माध्यम से वो चीखे सुनता है लेकिन फिर भी जैसे कि उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया, ये सब कुछ वो करता है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें सबसे खतरनाक होती हैं यहाँ पे। तो कवि ने यहाँ पे मेहनत की लूट, गद्दारी, लोभी, कोई छल कपट करता है, कोई लालच करता है, कोई किसी को यहाँ पे मेहनत की कोई लूट लेता है या किसी को पुलिस की मार पड़ती है, उसको भी इतना यहाँ पे डरावना नहीं कहा जाता, सबसे खतरनाक नहीं कहा जाता जितना इन सब चीज़ों को। अब उसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो हम कर लेते हैं। कवि ने किस आश्रय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की सबसे खतरनाक नहीं माना? तो कवि ने इस आश्रय से नहीं माना है क्योंकि मेहनत की लूट, हम एक बार मेहनत करते हैं, हम दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो इस तरह से हम मेहनत करके आज जो हमने गंवा दिया है उसको हम वापस भी पा सकते हैं। पुलिस की मार, अगर हम चाहे अपनी वाणी में संयम रखें और हम उनके साथ कहे से कदम मिलाए तो हम यहाँ पे पुलिस की मार, जो कभी कभी, चलो हर रोज़ तो नहीं खानी पड़ती है, अगर कोई ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ जाकर तो वो मार हमें खानी पड़ती है, लेकिन हम करें ही क्यों ऐसा कि हमें उनकी मार खानी पड़े। उसके बाद गद्दारी, लोभ क्यों सबसे, गद्दारी और लोभ, तो यहाँ पे कोई ऐसे हमें गद्दारी हमारे साथ कोई करता है, लोभ करता है, तो वो कितनी बार करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हमेशा के लिए तो वो कर नहीं सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में एक बार दो बार हो सकती है, बार बार नहीं, लेकिन हम जो आचरण करते हैं जैसे कि सुन के अनसुना कर देना, देख के अनदेखा कर देना, ये सबसे खतरनाक कहा गया है। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कवि से क्या असर पैदा हुआ, मतलब यहाँ पे बार बार कविता में क्या उसका सबसे खतरनाक, ये जो काव्य का शीर्षक है उसको यहाँ पे बार बार दोहराया गया। तो कवि बताते हैं कि बार बार दोहराया गया तो इससे कविता में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो इससे कविता में ये प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पे सबसे खतरनाक, मतलब यहाँ पे ये शब्द के उच्चारण करने से ही एक डर जैसा पैदा होता है। तो ज़रा सोचिए, एक इंसान होने के नाते अगर हम अच्छा काम नहीं करते, हम में कोई अच्छाई नहीं होती, तो वो सबसे यहाँ पे खतरनाक होता है। और सबसे खतरनाक शब्द में ही यहाँ पे एक प्रकार की डरावनी बोल, उच्चारण करते ही उसके बोलने से ही एक डर पैदा होता है। तो ज़रा सोचिए कि कोई इंसान मजबूरी में है, बेचारा हमें चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद नहीं करते, तो ये कितनी भयंकर स्थिति होगी। तो इसके लिए यहाँ पे काव्य में ये बार बार ये शब्द का उच्चारण उन्होंने, जो सोए हुए लोग हैं उनको अब जागने के लिए कहा है। कवि ने अपनी कविता में कई बातों को बुरा न कहकर बुरा तो है कहा है, तो ये प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसमें उन्होंने कहा बुरा तो है, बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं कहा, कि जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा मेहनत की लूट, यहाँ पे गद्दारी लोभ, फिर उन्होंने कहा पुलिस की मार, ये सब बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं है। हाँ, बुरा तो है, किसी पुलिस की मार पड़ती है ये बुरी बात है, हमारे साथ गद्दारी होती है ये बुरी बात है, कोई लालच हमारे साथ करता है तो ये बुरी बात है, हम खुद लालच करते हैं बच्चों तो ये भी बुरी बात है, कोई हमारी मेहनत की कमाई या मेहनत की वस्तु कोई होती है वो उसको लूट कर ले जाता है तो ये भी बुरी बात होती है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि इंसान होने के नाते हम एक बार दो बार इस तरह से परास्त हो सकते हैं, बार बार नहीं, लेकिन कोई इंसान ऐसे होते हैं हमारे मित्र जो हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, तो ये बात सबसे भयंकर होती है। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मुर्दा शांति से भर जाना, पहले ये वाक्य को समझ लेते हैं।
कविता में ये दो शब्द दिए गए हैं, हमारे सपनों का मर जाना, ये दो वाक्य से यहाँ पे कविता में क्या भावार्थ स्पष्ट किया गया है वो हमें बताना है बच्चों। तो मुर्दा शांति से भर जाना, जीते जी इंसान कभी मुर्दों की तरह होता है। हम कहते हैं ना यहाँ पे कोई जीवित नहीं है, अरे यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के साथ कुछ भी होता है, लेकिन अपने साथ कुछ होता है तब उनको फ़र्क पड़ता है। सब कुछ देखकर भी वो अनदेखा कर देते हैं, किसी के बीच में नहीं पड़ते हैं, किसी को सहायता नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। आज के ज़माने में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं। इसके लिए कहा गया है मुर्दा शांति से भर जाना। हमारा शरीर जिंदा है, हम सांस तो लेते हैं लेकिन मुर्दों की तरह जीते हैं। और दूसरा, हमारे सपनों का मर जाना, लक्ष्यहीन और हम जो हो जाते हैं बच्चों, हम जो सपने देखते हैं, हम जो यहाँ पे सपने तो आज के ज़माने में देख लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य तय होता है कि हमें ये बनना है लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, हम लक्ष्यहीन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे कवि ने हमें बताई है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आप ऑब्लिक आपकी ऑब्लिक, देखो यहाँ पे बीच में एक ऐसे क्रॉस में रेखा खींची, उसको ऑब्लिक कहा जाता है, आपको कलाई पर चलती हुई जो फिर वापस ऑब्लिक आपकी निगाह में रुक जाती है। इन पंक्ति में घड़ी शब्द के व्यंजना से अवगत कराइए। ये घड़ी शब्द इसमें जो है, ये घड़ी शब्द किस अभिव्यंजना में अभिव्यक्त हुई है हमें वो बताना है। तो घड़ी यानी समय, हमारे कलाई के ऊपर जो घड़ी बंधी हुई है वो समय दर्शाती है, समय चल रहा है। हम कहते हैं ना कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय निरंतर गति से आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे कलाई के ऊपर जो बंधी हुई घड़ी है उस वो बंद पड़ जाती है। ये बंद पड़ी हुई घड़ी जो होती है हमारी ज़िंदगी को रोक देती है, और चलने वाली घड़ी हमारी ज़िंदगी को चलाने में शुरू करती है। यहाँ पे बताया गया घड़ी, घड़ी ये शब्द ही अपने आप में एक सार्थक शब्द है। घड़ी का उच्चारण करने से ही यहाँ पे जैसे कि समय की निरंतरता पता पड़ता है हमें, समय किस तरह से निरंतर तेज़ गति से आगे बढ़ता है उसके बारे में पता पड़ता है। कभी कभी बच्चों समय तो आगे बढ़ जाता है लेकिन इंसान जो दूसरी घड़ियाँ चलती है वो तो अपने आप चलती है, लेकिन हमारी जो घड़ी बन पाई गई है उसके साथ हम भी रुक जाते हैं, हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से घड़ी ये शब्द की ये जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है, उन्होंने स्पष्ट की है। तो बच्चों यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके नेक्स्ट के अगर कोई प्रश्न उत्तर है तो उसकी चर्चा करेंगे, वरना अंतिम जो काव्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।